हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. माय सेल्फ आने का पढ़िया. एंड आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हुआ एक होम ऑटोमेशन सिस्टम. इन सिंपल वर्ड्स, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके मोबाइल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो. इसकी मेकिंग बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. सो गाइस, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये गूगल असिस्टेंट एंड एलेक्सा से सपोर्टेड है. फिलहाल इस वीडियो में आपको ये मोबाइल से कंट्रोल करके दिखाऊंगा. सो गाइस, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, दिखने में तो ये एक नॉर्मल एक्सटेंशन बॉक्स दिख रहा है, लेकिन इसके फीचर्स सुन के आप हैरान हो जाओगे. ये एक्सटेंशन बॉक्स को आप मैन्युअली यानी आपके हाथों से एंड आप इसे आपके मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हो. सो गाइस, अभी मैंने इसका स्विच ऑन कर दिया, अभी हम इसे टेस्ट करेंगे. सो गाइस, अभी मैं इसके अंदर ये बल्ब डाल रहा हूँ एंड हम इसे मैन्युअली ट्राई करेंगे. मैंने इसका बटन ऑन कर दिया एंड ये ऑन हो चुका है. ये मोबाइल से बिल्कुल भी अभी कनेक्टेड नहीं है. सो गाइस, अभी हमारा ये जो सेकेंड पॉइंट है, हम इसे ये चार्जर से कनेक्ट करके ट्राई करेंगे. ये चार्जर मैंने कनेक्ट कर दिया है, अभी हम इसे ट्राई करेंगे. तो गाइस, अभी आप देख सकते हैं मैं ये इसे भी मैन्युअली ऑन कर रहा हूँ एंड अभी मैं इसका जब बटन ऑन करूँगा तभी मोबाइल की चार्जिंग भी ऑन हो जाएगी. आप देख सकते हैं इसकी चार्जिंग ऑन हो चुकी है. अभी मैं इसे बंद कर रहा हूँ, इसकी चार्जिंग ऑफ हो जाएगी. तो गाइस, ये है इसके कुछ मैन्युअल कंट्रोल. अभी हम इसे वाईफाई के साथ कनेक्ट करके ऑन करेंगे. सो गाइस, एक्चुअली मैं तो इसमें ब्लिंक एप्लीकेशन का यूज़ करने वाला था, लेकिन फ़िलहाल इसमें अभी ESP8266 ऐप का मैं यूज़ करने वाला हूँ. सो गाइस, अभी मैं वाईफाई का R689 को कनेक्ट कर लेता हूँ. ये अच्छे से कनेक्ट हो चुका है. सो गाइस, अभी मैं इसका बटन ऑन कर देता हूँ. ये ऑन हो चुका है. अभी हम इसे ये मोबाइल के साथ कनेक्ट करके चलाएंगे. आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से ऑन ऑफ हो रहा है. आप देख सकते हैं अभी मैं ये जब ये बटन दबाऊंगा ये ऑफ हो जाएगा एंड जब भी मैं ये बटन ऑन करूंगा ये ऑन हो जाएगा. इसके कंट्रोल्स बहुत ही आसान है. अभी मैं इसमें ये चार्जर अटैच कर दूंगा. तो गाइस, अभी मैं इसका ये बटन ऑन कर देता हूँ. मैंने इसका बटन ऑन कर दिया एंड जब भी मैं ये इसके ऊपर टैप करूंगा ये इसकी चार्जिंग ऑन हो जाएगी. आप देख सकते हैं इसकी चार्जिंग अच्छे से ऑन हो चुकी है. एंड अभी मैं जब ये बटन फिर से दबाऊंगा इसकी चार्जिंग ऑफ हो जाएगी. गाइस, एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं. इसकी चार्जिंग ऑन हो चुकी है. अभी मैं इसका बटन ऑफ कर रहा हूँ. आप इस तरीके से लाइट को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं. ये अगर ये बटन दबाओगे तो लाइट ऑन हो जाएगी एंड ये चार्जर भी ऑन हो जाएगा. एंड अगर ये बटन दबाओगे तो दोनों ऑफ हो जाएगी. तो गाइस, है ना ये प्रोजेक्ट मज़ेदार. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले. तो गाइस, एक्चुअली मैं तो इसे ब्लिंक एप्लीकेशन से बनाने वाला था, लेकिन फ़िलहाल ब्लिंक एप्लीकेशन में वायरस चालू है तो मुझे ये वाईफाई कार एप्लीकेशन से इसे बनाना पड़ा. एंड गाइस, मैं ट्राई करूँगा कि इसके ऊपर जल्दी एक डिटेल मेकिंग वीडियो बनाऊँ. तो गाइस, नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे साइंस के रिलेटेड एक्साइटिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले. और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल मेकिंग वीडियो बनाऊं तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए.